कैसे हैं आप लोग? होप सब लोग ठीक हैं, सुरक्षित हैं। और अब जैसे कि लॉकडाउन खत्म होने को आया है, हम लोग आज निकले हैं देवराना दुर्गा हिल, जो कि इस वक्त 1 घंटे की दूरी पे है, 50 किलोमीटर बेंगलोर के पास ही एक ऐसी जगह है। कैसी जगह है वो हम आपको दिखाएंगे। एक्चुअली ये देवराना दुर्गा हिल है, ये एक पॉपुलर हिल स्टेशन के साथ साथ एक टेम्पल टाउन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ हिल ही नहीं है, टेम्पल्स भी हैं। तो ये अगर हम इसकी ऊंचाई देखें तो ये 3,940 फीट की ऊंचाई पर है, और इस वजह से ये एक परफेक्ट वीकेंड गेटअवे के लिए बेस्ट जगह है। और ये जगह जंगल और पथरीले पहाड़ों से घिरी हुई है, तो मतलब इसकी ब्यूटी तो मतलब देखने लायक है। देवराना दुर्गा का मतलब ही एक्चुअली होता है कि भगवान का किला। और अगर हम इतिहास के पन्नों को देखें तो उससे पता चलता है कि देवराना दुर्गा का नाम ही मैसूर के राजा, जो कि चिक देवराजा वोडेयर थे, उनके नाम से रखा गया था। अब शुरू हो गई बारिश, और बहुत तेज़ बारिश। एक्सपेक्टेड तो था ही, मगर चलिए आप आगे देखिए, आपको पता चलेगा। यहाँ पर रोड भी सिंगल हाईवे हो रखा है, क्योंकि ये स्टेट हाईवे है, हम नेशनल हाईवे से डिविएट कर चुके थे। और ये है जी डीडी हिल्स की एंट्रेंस, देवराना दुर्गा हिल। पहुंच तो गए छातों के साथ, एक ऑफ रोडिंग गाड़ी ऊपर आ गई है, हमारी तो छोटी है सियाज। ये है नज़ारे, अभी तो हिल गए नहीं हम लोग, हिल ऊपर है, ये उससे पहले एक छोटी सी खूबसूरत सी जगह आती है। तेरे न्यूगन को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, आपको इंस्टाग्राम स्टोरीज में डिटेल्स के और भी फोटोज और वीडियोस मिलेंगे। बारिश बहुत तेज थी, अभी बहुत कम हो गई है, फिर भी इतना पीसफुल है, इतना अच्छा लग रहा है। और अब ये लोग पास आ रहे हैं तो पीसफुलनेस तो चली जाएगी, क्योंकि बहुत दिनों बाद मिले हैं सब लोग, थोड़ा बहुत मौज मस्ती करेंगे। बारिश में भीगेंगे या नहीं पता नहीं, आ रहा है एक तंग करने मुझे। ये रही टेरेन यूगेन इंस्टाग्राम लाइव, और ये हो रही है ब्रांडिंग, और ब्रांडिंग यहाँ भी हो रही है। और ये है लाइव चल रहा है, उड़ मत जाना। तो इतनी खुशी हो रही है, और ये गाड़ी वाह क्या ऑफ रोडर है। एसयूवी के बेनिफिट्स होते ही हैं। और वो पहाड़ जो है, पता नहीं कितना कैमरा में दिख पा रहा है, जस्टिस हो पा रही है नहीं, वहाँ पे पूरी धुंध छाई हुई है ऊपर, थोड़ी देर में जाने वाले हैं। ओह ये अब स्विमर्स एज वेल, लोग तैर रहे हैं। ज़्यादा जूम करूँगा तो क्लैरिटी बहुत ही गंदी हो जाएगी, तो बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही अच्छा माहौल है। और उस पार उस एंड के बाद जो जंगल वाली फील आती है, कोशिश करता हूँ उस तरफ जाके आपको दिखाऊँ। आ गए हम इस पार जहाँ कोई नहीं है आसपास फिलहाल। ये लोग ऐसी जगह को जो गंदा करते हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इनके ऊपर,
या फिर लोगों को खुद एजुकेट होना चाहिए इस बारे में कि अपनी सराउंडिंग्स को, अपने नेचर को खूबसूरत रखेंगे तो आगे की पीढ़ियां भी उनको देख पाएंगी। ओह बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। मैं इस वीडियो में कितनी जस्टिस कर पा रहा हूँ मुझे पता नहीं, क्योंकि अभी शुरू किया है, कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है। 2 मिनट कुछ नहीं बोलूँगा, बस सुनिए। अगर छाता भी हटा देता हूँ ताकि ये बारिश की जो आवाज़ है बिल्कुल पास में आ रही होगी माइक के, छोटी छोटी सी बर्ड्स। और छाता हट गया। चालू है यहाँ पे भी इन्हें बैकग्राउंड सही नहीं लग रहा है। वाह, ग्लोबल वापस तेरे नेवेंग के एडिटर, क्रिएटर, फाउंडर, मास्टरमाइंड, प्रिंसेस। ओ ना सुंदर है, कांट गेट ओवर द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। यहाँ पे कुछ फोटोग्राफी सेशन के लिए अरेंजमेंट हो रही है। ओह पहाड़ आगे इतना सुंदर लग रहा है, ये रहा, ये धुंध छाई है, बारिश हो रही है, लोग काफी आए हुए हैं। सेशन चल ही रहा है, बहुत ही पीसफुल है। अब दिख रहा है वो पहाड़। और अब हम निकल गए अपने रास्ते उस पहाड़ की तरफ। देखिए आगे आपको नज़ारे मिलेंगे उस पहाड़ के भी। अब तो यहाँ हमने 20 रुपये भरे, 10 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज है यहाँ पे। और अब हम इस पहाड़ के और नज़दीक जा रहे हैं। जुड़े रहिए एंड तक, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए। ऊपर आते आते हम एक जगह रुक गए क्योंकि ऊपर पूरा जैम है, पता चला पूरा धुंधला हो रखा है। थोड़ा स्लो जाऊंगा तो आपको खूबसूरती नजर आएगी। चल रही है मस्ती, ये हम तीनों की गाड़ियां।
और यहाँ पे आई है पूरी धुंध, वहाँ पे कुछ नजर भी नहीं आ रहा। नॉइस पोल्यूशन, ओह पता नहीं कैमरा में अगर दिख रहा है तो यहाँ पूरा एकदम, जो लोग नॉर्थ में उनको तो ये एक्सपीरियंस मिल रहा होगा बट साउथ में उतना ऊटी की तरफ मिलेगा। बेंगलोर से एक घंटे की दूरी में ये एक्सपीरियंस बहुत ही लाजवाब है। अद्भुत है, मतलब इतना पास बेंगलोर से ये खूबसूरत वेदर। और अब क्योंकि अंधेरा हो रहा था और हमें निकलना पड़ा और मौसम अराउंड 19 डिग्रीज टेम्परेचर हो गया था, तो ऐसे मौसम में कॉफी तो बनती है। चलो फाइनली हमारा सीसीडी आ ही गया। We'll be right back.